है और वो भी बार बार ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, तो ये खुद से नहीं कर रहे हैं, जैसी इनकी सभी बनाई गई है वैसा ये कर रहे हैं। और एक बात और बता दे, कांग्रेस पार्टी की जानिब से इन्हें नाम नहीं दिया गया, मिस्टर 20% का नाम इन्हें किसने दिया है ये आप जानते हैं, क्योंकि आप जज साहबान हैं। और उसी के साथ साथ उनके बाजू में तशरीफ फरमा, उन्हें दुल्हन इकबाल किसने कहा है, दुल्हन इकबाल का खिताब किसने दिया है, ये भी आप बखूबी जानते हैं, वाकिफ है। तो ये कांग्रेस पार्टी की जानिब से न इन्हें नाम दिए गए, न इनकी हरकत और सकलात से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। बल्कि मैं इस वक्त आपसे इजाजत तलब करता हूँ, आपसे इजाजत मांग रहा हूँ कि आप दूसरे गवाह को हाजिर करने के लिए मुझे इजाजत दे। क्या मैं दूसरे गवाह को बुला सकता हूँ? स्टैंडिंग कमेटी के सातवें हिस्से के गवाह मौलाना इस्माइल जमाली हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, और जो बात कही जाएगी न्यायत तस्दीक शुदा बात होगी, और चूंकि गवाही है ये शरीयत का एक हुक्म है। मेरे दरमियान माजी के हजार साथ में हमारे साथ चलने वाले पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान और कारपोरेटर भी मौजूद है। कल तक जो मिस्टर 20% और झामू सालार के साथ रहा करते थे, मेरी मुराद अलहाज यासीन मेट्रो साहब यहाँ मौजूद है, हाफिज अली गजर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ के रहने वाले सुल्तान लव साहब इसी वार्ड से चुन कर आए थे, कारपोरेटर सुल्तान लव साहब है, मेरे भाई शफीक साहब मेडिकल वाले साहब है, हम वो लोग हैं जो 2007 के अंदर इसी चुट्टा सालार और झामू सालार के साथ हमने मजहब का लिबादा देखकर इसकी क्यादत को हमने तस्दीक किया था, और शहर भी इसके जानो तन में आकर के एक दो नहीं, दो पांच नहीं, बल्कि 24 से ज्यादा सूबे से नवाजा था। अजीजान गरामी, हम इस बात की गवाही देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए कि कल के साथी आज के दुश्मन कैसे हुए, यह सोचने और समझने की बात है। जब साहब नोट फरमाए कि हम कल तक उसी झामू की क्यादत के साथ कर रहे थे, उसी झामू के साथ थे जो दुल्हन इकबाल है, इन्हीं के वालिद को हमने नजिस और नापाक कहा था इसी मिस्टी 20% ने, कि जिसके पेशाब के छिट्टे मिस्टी 20% पर आया करते थे, और उस वक्त से बुजुर्ग लीडर यानी आज के दुल्हन इकबाल के वालिद बुजुर्गवार की तौहीन, निहाल अहमद साहब की जितनी तौहीन, इस शहर की तमाम तौहीनों को एक जानिब रख दिया जाए, और इस झामू सालार ने उस बुजुर्ग लीडर की जितनी तौहीन की है उतनी किसी और ने आज तक तौहीन नहीं की। यही वो झामू सालार था, गवाह है शफीक साहब, शफीक मेडिकल वाला साहब, सुल्तान लव साहब, यासीन मेट्रो साहब मेरे चचा, जिन्हें मैं उस वक्त भी चचा का किताब दिया करता था, और आज तो मैं कांधे से कांधा लगा कर उन्हीं के साथ चल रहे। हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड होते उस वक्त उनको अपना बड़ा चाहते थे, क्या वजह थी कि इस मुंगी वाले शख्स को मेयर नहीं बनाया गया था और नजमुद्दीन को खजूर वाले को मेयर बनाया गया था। सबसे पहली मार्च के अंदर दरार हुई है, तोड़ीबाजी हुई है, तो मापूर को लेकर के हुई है, नहीं तो देना झामू ने गवाही। और इसी के साथ साथ हमारा और उसका इस शहर का अक्सर लोग जानते होंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग भी जानते होंगे कि मैं उसे अपने अब्बा हुजूर के खिताब से नवाजा था। कहानी भैया जब भी मिलते थे तो ये लोग भी कहते थे कि मुफ्ती साहब का लड़का आ गया, तो फिर ये लोग कहते थे तेरा अब्बा हुजूर का चल रहा है, का चलत रहा सबको मालूम है, स्वयं ये हमारे सुल्तान लव साहब थे, उस वक्त खलील दादा 2007 में स्टैंडिंग चेयरमैन बनाए गए थे, खाना झामो ने ये तो नकली झामो मिस्टर 20% बनाए, अरे हम उस माँ के जने हैं, तू आ तेरे सामने में अपने मजहब का लिबादा लेकर चलना छोड़ दे, शरीयत के लिबादे को उतार, फिर
हम उस माँ के जने हैं जो छाती ठोक कर और सीमा सुकुर होकर चलने वाले कौन। क्या तू सातवां राजा नहीं लेता था है मिस्टर 20%? इसलिए तेरा नाम मिस्टर 20% इस पुराने बाल ने रखा था। क्या वजह थी? याद रखो खलील दादा उस वक्त तो 2007 के अंदर स्टैंडिंग का चेयरमैन हुआ करते थे, यानी आज के आमदार और आज के महापौर आली जनाब शेख रशीद साहब, शेख सफी साहब के बैरादरे मुकर्रम जनाब खलील दादा साहब उस वक्त स्टैंडिंग चेयरमैन रहा करते थे। यही वो आगे रोड जाएगी, एक बिल्डिंग है सुपरमार्केट जिसे कहते हैं, उसके अंदर रिजवान सर नामी एक माजी कारपोरेटर भी रहता है। उसी घर के अंदर हर भूत के भूत तबर्रुक की तकसीम होती थी। तबर्रुक समझे हो? हाँ, इसलिए तबर्रुक की तकसीम हुआ करती थी। उस तबर्रुक की तकसीम के लिए वो सताया करते थे कभी सुल्तान लोग को, कभी मेरे चचा यासीन मेड्रो साहब को, कभी अली भैया के बोला तो आते ही नहीं, और रियाज अली हम लोग लंगोटिया है और साथ में थे। क्या वजह थी उस झामू से दूर भागने की? वो बैतुल मिसलाए सियासत और बैतुल माल की हिफाजत का नारा दे करके बहुत तरीके से सियासत में आया है, उसे उसको सिला करके हमें उसे वापस भेजना है। सातवां वाडा खाने की आदत थी। क्या चच्चा ही गलत है तो मैं दवाई दे रहा हूँ? सातवां हिस्सा पहुंचाना, अरे ये तो ये जान दो, ये तो अभी सब लोग दवाई देंगे। यहाँ के रवासी इलियास काबुल, इलियास काबुल और इस काबुल चौक के हर पर तो इस बात की गवाही देंगे कि इनके पास गोरिज कहाँ से आई, ये दौलतिया कहाँ से इतनी आई, सब को मालूम है। ये सातवां वादा भी लेते थे और तो और उन्होंने जामा मस्जिद के तकद्दस को भी पामाल किया है। क्या वहाँ मिस्टर 20% तुमने रिश्वत नहीं ली? आपका सातवां वादा लेने के लिए नहीं बुलाते थे जामिन कलेजी साहब को? क्या वजह थी? आज जामिन कलेजी भी तुमसे दूर भाग गया, इसलिए कि सिर्फ 500 रुपये भैया काम रहा था। तो आमी जज इस बात को नोट करो कि झामू इस मामले में भी झाम दिया करता था कि यासीन ने अपने आमिन कलेजी उस वक्त तो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था और इसी के साथ है तो गाजी अमानुल्ला, ये सब गरीब मुफलिस सब चुन के आए थे। हमारा रियाज का हाल तो ये था कि जब ये जामू सालार नजमुद्दीन को मेयर बनाने वाले थे तो ये बजाय लौट के मस्जिद और मदरसे में सोने वाले लोग थे। अरे तुमने सियासत में ला के रियाज अली को बिगाड़ दिया, ये तो एक तबलीगी शख्स था। क्या वजह थी जामू सालार को तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए हम जैसे उलमा और हम जैसे उस्ताद और हम जैसे लोगों को आना? नहीं तो आना इसी जगह पंचायत बुलाना, जिस तरीके से आज मैं तुम्हारे दरवाजे आके बोल रहा हूँ इसी तरीके से तुम बुला सको तो। और ये गवाही भी है, इस गवाही में अगर कुछ कमी है तो आप लोगों ने कोई कमी नहीं है, इसलिए कि तमाम बातें सदाकत की है। कल के दोस्त आज के दुश्मन आपके सामने है, आवाम और जज साहबान अच्छा तरह फैसला फरमाए और इन्हें दुल्हन इकबाल और मिस्टर 20% को घर पर आराम करने दें। वो मास्टर कुल्ला भी